वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम टीवी गॉसिप में। जानते हैं आप कि हम इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं टीवी के उन सीरियल्स को लेकर जो इन दौरान काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स इनमें चल रहे होते हैं और साथ ही साथ जिनमें काफी ही ज्यादा गॉसिप का कारण छुपा होता है। बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में एक सीरियल नहीं, दो सीरियल नहीं, बल्कि तीन तीन सीरियल के बारे में आपको बताते हैं। उन सीरियल में आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होगा, ऑन लोकेशन उनके बारे में हम आपको सारी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि आने वाले टाइम में कौन से नए ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं कि आज हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं जी जी माँ को लेकर, जो आप सभी का फेवरेट सीरियल है। और साथ ही साथ अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से पिया अलबेला जी टीवी के आप सबके फेवरेट सीरियल में से जो एक है पिया अलबेला में क्या कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स होंगे। और साथ ही साथ आखिरी में आज आप देखेंगे कि स्टार प्लस पे आने वाले आप सबके मोस्ट अवेटेड और मोस्ट फेवरेट सीरियल कुल्फी में क्या कुछ नए ट्विस्टेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आप सबसे फेवरेट, आप सबके फेवरेट सीरियल यानी चीजी माँ को लेकर। देखिए क्या कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स है। आशीष जो है इसकी इस लड़की की रची हुई है। नहीं, ठीक है, कुछ भी। और मेरी मम्मी ने, उत्तरा देवी ने, मैं बता रही। अच्छा, मैं बोलूं पहले? हाँ, बोल। तो मेरी मम्मी ने एक मन्नत मांगी है जो मेरे वेलबींग के लिए है, ताकि मैं, मेरी खुशियाँ वापस आ जाएँ, सब कुछ हो जाए। तो वो चाहती हैं कि वो एक नंगे पैर, जिसे कहते हैं बिना चप्पलों के, कांच के ऊपर चलें, भगवान तक पहुँचें, ताकि मेरी सारी खुशियाँ वापस आ जाएँ। लेकिन मैं उनका बेटा हूँ तो मैं अपनी माँ को ऐसे दुख में नहीं देख सकता हूँ। तो मैं अपने हाथ कांच पर रखता हूँ और उनके पैर वो मेरे हाथों से चल के जाते हैं। तो ये बेटे का दर्द, और मतलब माँ का दर्द एक बेटा समझ सकता है, लेकिन ये तो लेकिन बहु जो है ना, है वो यही चाहती थी कि ये यही हाथ नीचे रखें और उनको दर्द देना चाहती थी, इनको पता ही नहीं है। ये सब इसका खेल किया हुआ है। ज्यादा हमें पता है कि उत्तरा देवी फाल्गुनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जब तक तुम कुछ भी कुछ प्लान करोगे मैं सुयश को तकलीफ दूंगी, ऐसा। यस, यही वो दिखाने आई है। हां, ये हो सकता है क्योंकि मुझे ये सब पता नहीं है। क्यों नहीं पता है आपको? मुझे नहीं पता ना, मेरी माँ अच्छी है यार, उत्तरा देवी बहुत अच्छी है। हाँ, देवी के बारे में भी बहुत ही क्रूल औरत हैं वो। क्रूल और मेरी माँ है, मेरी सास के लिए तुम ऐसे बात नहीं बोल सकती हो, मेरी माँ है वो। है डैश डैश डैश, ठीक है। और वो मतलब मैं मंदिर में होती हूँ, मैं जा रही होती हूँ तो वो मुझे टकराती हैं और वो मुझे बोलती हैं कि तुम्हें तो घर पे बैठ जाना चाहिए, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। तो मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हारा सच में सामने लेके आऊँगी, और फिर वो मुझे चैलेंज करते हैं कि तुम 5 बजे आओ मंदिर में और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेके आती हूँ। तो ये इन्हें ले आती है, मेरे को लेकर आती है, और मुझे नहीं पता ये मंदिर में है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसका मानना है कि ये थी कहीं छुप। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा जीजी माँ में तो काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स होने वाले हैं, काफी ही ज्यादा आपको इस सीरियल में तड़का दिखने वाला है। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि किस तरह से ये पूरी टीम जो है ऑन लोकेशन कितनी मस्ती करती है और उसके बाद ये सीरियल में आने वाले ट्रैक के लिए किस तरह से तैयारियां भी करते हैं। अगर बात करें अब अगले सीरियल की पिया अलबेला की, जिसमें आप देखने वाले हैं कि इस सीरियल में काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स हैं, तो देखिए क्या कुछ नया है। We'll be right back.
एक बेगुनाह जेल में है और जो कसूरवार है वो खुला घूम रहा है। तो इस केस में भी, सच्चाई की लड़ाई में भी पूजा नरेन मेघना के साथ हैं और वो चाहते हैं कि जब तक असली गुनहगार पकड़ा ना जाए तब तक मेघना को इंसाफ नहीं मिलेगा और वो अपनी नई लाइफ नहीं शुरू करना चाहती। दैट्स हर डिसीजन। तो सबसे अच्छी बात तो इस केस में ये है कि पूजा और नरेन के साथ इस बार पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी भी उनके साथ है, तो ये केस और भी अब जो है हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा लड़ना और पता करना कि एक्चुअली गुनहगार कौन है। बट कहीं ना कहीं एक ड्रामा भी आ गया है जहाँ पर जो लास्ट आखिरी गवाह होता है वो भी मिट गया है, तो अब पूजा और नरेन कैसे ढूंढ पाएंगे? आखिरी गवाह मिट गया, मतलब अभी एक सीन हुआ आपको पता नहीं, फिर भी ने देख लिया है। हाँ, सिर्फ क्या देख लिया है, कुमार आखिरी गवाह। अच्छा, मास्टर जी को जी जी हाँ नहीं, इसके बारे में पूजा को नहीं पता ना पूजा को तो नहीं पता है इसके बारे में। तो ओवरऑल अभी पूजा और नरेन क्या हल ढूंढने के इस मुसीबत से बाहर आने के लिए? नरेन जो हैं उन्होंने एक जासूस को जो है उनके एम्प्लॉय हैं उनको रखा हुआ है और वो भी उनको हेल्प कर रहे हैं कि असली गुनहगार कौन है वो पता करने में, और इंस्पेक्टर भी उनको हेल्प कर रहे हैं असली गुनहगार पता करने में। तो इस बार तो हम लोग तभी चैन की सांस लेंगे जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा और मेघना को इंसाफ मिल जाएगा। थैंक यू। मुझे क्लास मत लेना इसमें। नहीं बिल्कुल। ओके, तो पूजा नरेन अब किस तरह से मेघना को इंसाफ दिलाते हुए दिखने वाले हैं, बिकॉज़ जो सारे रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। जी हाँ, सारे रास्ते वैसे बंद हो चुके हैं, लेकिन एक आखिरी रास्ता जो है, जो वो दर्जी मास्टर है जो गुनहगार को जानता है पहचानता है, और इस वक्त वो किडनैप हो चुका है, लेकिन शिवानी, इंस्पेक्टर शिवानी ने बताया कि कल सुबह 8 बजे वो खुद उसे यहाँ लेकर आएगी, और ये जो 8 सस्पेक्ट्स है उनमें से कौन गुनहगार है कल के कल पता चल जाएगा। तो इसलिए हाँ, राह खुलती हुई नज़र आ रही है, तो जो कोई भी सस्पेक्ट है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा जो हमें सुराग तक पहुँचाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो रास्ता भी अगर आपका बंद होता हुआ दिखे, रास्ता बंद होता हुआ दिखे, सो फाइनली आपने देख ही लिया कि जी टीवी के आप सबके फेवरेट सीरियल पीएल बेला में क्या कुछ नया, क्या कुछ ट्विस्टेड, क्या कुछ दिलचस्प होने वाला है। देखिए हमारी ये तीसरी रिपोर्ट जिसमें आप जानेंगे कि कुल्फी में आने वाले ट्रैक में आपको क्या कुछ नया दिखेगा, क्या कुछ होने वाला है। अगर करंट ट्रैक की बात करें तो उस ट्रैक में काफी ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स हैं। आप देखेंगे कि ऑन लोकेशन किस तरह से कुल्फी के सेट पर मस्ती मौज मस्ती होती है, और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि आज रात आने वाले ट्रैक में आपको क्या कुछ दिखेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डाउट था वो सच सामने आ गया है, तो कितना ड्रामा हो रहा है? नहीं, सिकंदर को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कॉन्सर्ट में हमारा गाना गाएगी और किसी और की आवाज़ इस्तेमाल की जाएगी, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉकिंग है इसके लिए। दैट्स व्हाई ही इज रिएक्टिंग टुडे। बट कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है लवी के साथ बढ़ती ही जा रही है कम होने के बदले। हाँ, बिकॉज एफर्ट नहीं हो रहा है ना, एफर्ट एक रिलेशनशिप में एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ, तब जाके रिलेशनशिप बनता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। और कब से सिकंदर एक एफर्ट करा जा रहा है अपनी बीवी से, बहुत चीज़ें इग्नोर करता है, बहुत चीज़ों के साथ यू नो सैक्रीफाइसेस करता है बहुत, तो अभी वो एफर्ट वो देख रहा है एक ही तरफ से हो रहा है और बार बार उसको लवली धोखा देती है, तो अभी वो फाइनली कहीं ना कहीं टूट जाता है, उसको लगता है कि यार अब बस, नाउ आई विल टेक अ स्टैंड, आई विल टेक अ स्टैंड बिकॉज दिस इज़ गोइंग नो वेयर। वो बार अब क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको दुख है अमायरा का करियर ख़राब करने के, वो अमायरा का करियर ख़राब हो जाएगा ना कि अगर आप अमायरा को किसी और की आवाज़ इस्तेमाल करके अमायरा को स्टेज पे गवा दोगे पूरी दुनिया के सामने, वो भी सिकंदर सिंह की बेटी किसी और की आवाज़, तो ऑब्वियसली विल बी हार्ट ब्रोकन, बहुत बड़ी बात है। सिकंदर अभी कितनी कोशिश करेंगे वो आवाज़ किसके ढूंढने के लिए? हाँ, वो भी कोशिश होगी, और वो पता लगेगा या नहीं लगेगा ये मैं चाहता हूँ ऑडियंस देखे। और वैसे देखा जाए तो जो गलती करता है वो नहीं, वो कभी नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट नो, हो भी सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, और बट उसको इतनी कंडीशनिंग उसकी ऐसी नहीं है, उसकी कंडीशनिंग अलग है, उसका पालन जिस हिसाब से बड़ी हुई है और जिस हिसाब से उसको कंडीशनिंग मिली है अपने पेरेंट्स से बहुत अलग है। सिकंदर वो बहुत अलग हैं, दो लोग बहुत अलग हैं। तो
तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना सिकंदर को हो सकता है। हाँ, अभी अभी मनाने वाला स्टेज चले जाएगा मेरे ख्याल से। अभी तो होगा कि सिकंदर विल टेक अ स्टैंड, और सिकंदर हमेशा मनाता ही रहा है और हमेशा खुश करने की कोशिश एफर्ट करता ही रहा है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अभी वो नहीं ले रहेगा। अब उसने क्योंकि बहुत कोशिश कर ली, उसने धोखा दिया, इतनी बड़ी चीज़ कर दी, पूरी दुनिया के सामने हमारे को गवा दिया जिसके लिए वो कभी नहीं तैयार ना था। उसने कहा था अभी 10 साल जाएंगे, उसको रियाज करना है, उसको मेहनत करनी है, उसने सुना ही नहीं, उसने करा दिया। तो अब नहीं होगा, अब वो मनाने में तो नहीं जाएगा सिकंदर, आई एम श्योर, बट या ही टेक अ स्टैंड नाउ। अमायरा को अब अपने तरीके से अपना कल्चर देगा वो। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जर्नी इज़ जस्ट स्टार्टेड, अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और आप लोगों ने अभी से इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, और आगे ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हमारा शो टॉप 5 हो गया है और नंबर 1 बनना है, वी डिज़र्व इट एक्चुअली, एंड आई थिंक वी डिज़र्व इट बिकॉज द शो डिज़र्व इट, एवरीबडी इज़ वर्किंग सो हार्ड आई कैन टेल, सो या, तो आई थिंक वी ऑल डिज़र्व टू बी नंबर 1 एंड वी विल बी। So, well, finally, आपने देखा आज कि हमने आपको दिखाया आप सबके फेवरेट सीरियल्स के बारे में, आपने जाना कि आने वाले ट्रैक में क्या कुछ नया दिखेगा, क्या कुछ दिलचस्प होने वाला है, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि ऑन सेट जो हमने आपको लोकेशंस दिखाई हैं, आपने लोकेशंस की वीडियो देखी है कि किस तरह से ये लोग सेट पर मस्ती मौज मस्ती के साथ साथ अपने काम को भी अंजाम देते हैं, आपने जाना कि इन 3 सीरियल्स में आपको क्या कुछ नया, क्या कुछ इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में तो बस इतना ही, मगर आप भी अगर अपने किसी भी फेवरेट सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आने वाले ट्रैक में क्या कुछ नया होगा, तो हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने सीरियल का नाम जरूर मेंशन करें। जब मैं नेक्स्ट टाइम आप सबका ये फेवरेट प्रोग्राम लेकर आऊंगी तो आपके सीरियल की जुड़ी तमाम बातों का जिक्र करूंगी, तमाम चीजें बताऊंगी, अपडेट्स बताऊंगी। अगर आप मुझे अपने फेवरेट शो का नाम नहीं देंगे तो मैं खुद से ही आप सबके फेवरेट शोज के बारे में भी बताऊंगी, जो मेरा डेली का काम है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि बी टाउन हो या फिर टीवी पुर, तमाम चटपटी तमाम गॉसिप सिर्फ आपको नेक्स्ट 9 न्यूज में ही मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत, मैं चली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाटा।